ये कहानी शुरू होती है, इसको सेटिंग करने में इतना टाइम लगता है। बुखार के अंदर इस गुमान में ना रहना कि आपको टीके इंजेक्शन नहीं लगेंगे, मुझे 7 ड्रिपें लगी, 7। और अब आप बारी है आपको तंग करने की। तो टाइटल सामने देख के तो आगे हो गए, डेंगू हो गया था मुझे, कहीं से लग तो नहीं रहा कि मुझे डेंगू हुआ था, लेकिन हो गया था डेंगू। मैं बताता हूँ कि कैसे हुआ था, क्यों हुआ था। सबसे पहले आप लोगों से बात तो कर ली जाए ना। बाकी यार मैं तकरीबन 10 से 12 दिनों के बाद वापस आया हूँ। 10 से 12 दिन मैं चरपाई तो पे लेटा हुआ था, ठीक है, मुझसे भी बोलने ही नहीं हो रहा, मुझे ब्लॉगिंग ही भूल गई है। लोग देख सकते हो मुझे इस पिंजरे में कैद की करी रखा है इन लोगों ने, क्योंकि मुझे हो गया था डेंगू। हुआ, मैं आपको बता दूँ कि डेंगू हुआ कैसे था और कितने दिन किस वजह से हुआ था, और डेंगू के अंदर मैंने क्या क्या तरकीबें जो लगाई हैं मेरे घर वालों ने, कि जब मैं बिल्कुल फिट हो गया, कहीं से लग ही नहीं रहा कि मुझे कहीं डेंगू हुआ था, तो घर वालों ने मेरा नाम भी डेंगू ही रख दिया। चलो कोई नहीं, इस बात को तो इग्नोर मारते हैं। बाकी यार मैंने इतना मिस किया है आप लोगों को, इतना मिस किया। मैं कह रहा था बस मैं एक दफ़ा जल्दी से ठीक हो जाऊँ, मैंने आप लोगों को तंग करना है, मुझे पता है आप लोगों ने भी मुझे मिस किया है, किया है ना मिस? नहीं हाँ किया। अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ, कसम से मेरे अंदर बोलने तक की हिम्मत थी और आज देखो मैं उछल उतर हूँ, लेकिन अभी भी मैं पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ, वीकनेस अभी भी मेरे अंदर है और प्लेटलेट्स मेरे अभी भी 1,20,000 आ रही हैं, बहुत कम है। तो कोई नहीं, वीकनेस कवर करेंगे आस्ते आस्ते। लेकिन अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं यूट्यूब पर आपको इतना तंग करूँगा ना, क्योंकि मैंने 10-12 दिन मैंने आपको इतना फील किया ना, इतना मिस किया है यार, मैं क्यों नहीं वीडियो बना रहा, क्यों मैं मेरे से उठने नहीं हो रहा था, क्यों डेंगू इतना ख़तरनाक किस्म का ये करता है ना मच्छर, हाथ में आई होती है, बस समझ जाओ आप लोग आगे। तो बैठते हैं यहाँ पर और बात करते हैं कि कैसे हुआ था, क्या करना पड़ा मुझे, क्या नहीं किया, कितनी ड्रिप्स लगे, कितने इंजेक्शन लगे, मैं आपको सब बताता हूँ, ठीक है। मेरे हाथ पाँव सब सुन हो चुके हैं, टीके लगवा लगवा के। तो अभी बैठते हैं यहाँ पर, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तो ये कहानी शुरू होती है, इसको सेटिंग करने में इतना टाइम लगता है। हेलो गाइस, क्या मैं ठीक आ रहा हूँ? ये गिरेगा मेरा मोबाइल यार, घंटा हो गया कर रहा हूँ कब से, सेट ही नहीं हो रहा, ऐसे हाथ पकड़ के कर लेता हूँ आपसे बात। अच्छा तो ये कहानी शुरू होती है ऑटो शो वाले दिन से, ठीक है। उस दिन मैंने ये वाले कपड़े पहने होंगे, आप लोगों ने देखा होगा। ऑटो शो से मैं घर आया, ठीक है, मेरा दिमाग इतना पका हुआ, वो एग्जॉस्ट की साउंड सुन सुन के, ठीक है, और सारा दिमाग मेरा फुल थका हुआ, फुल जिसे कहते हैं ना थका हुआ। मैंने कहा नॉर्मल सी थकान होगी, मैं सो गया, ठीक है, आते साथ ही मैं सो गया था, ठीक है, व्लॉग अगले दिन मैंने पोस्ट किया था। तो अगले दिन मैं उठा, मैं थोड़ा बेटर फील कर रहा था, दिन गुजारा अपनी, शाम हुई। तो जब शाम हुई मैं फ़ोन यूज़ कर रहा, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा था, ठीक है। जैसी मगरिब की अज़ान ख़त्म होती है ना, जैसी मगरिब की अज़ान, मेरी बॉडी में ऐसे वेव्स फील हो रही होती हैं मुझे कि यार ये क्या हो रहा है, मेरी बॉडी में वेव्स आ रही हैं, वेव्स आ रही हैं। मैं कहता हूँ ठीक है, हो सकता है कोई बुखार हो, जल्दी ठीक हो जाएगा, तबीयत ख़राब होती है, मैं सो जाता हूँ, ठीक है, रात के टाइम मैं सो गया, सो गया, सो गया, सो गया। अगले दिन उठता हूँ, अगले दिन सुबह बेटर फील। अच्छा, इस डेंगू बोलूँगा, बड़ा दिमाग ख़राब किया, इस डेंगू बुखार की ये एक बहुत अजीब सी बात है कि इसमें बुखार अप एंड डाउन होता रहता है, ठीक है, 7 दिन तक अप एंड डाउन होता रहता है। आप जब अप होता है आप कहते हो कि यार मैं बिल्कुल ठीक हो जाता हूँ, और जब डाउन होता है तो यार आप कहते हो कि यार इतना तेज़ दोबारा से बुखार हो गया, ठीक है, अप एंड डाउन वाला सीन चलता रहता है इस बुखार के अंदर। तो अप एंड डाउन वाला सीन था, अगले दिन मुझे मेरे घर वालों को भी शक हो ही जा रहा, लेकिन मेरे घर वाले थोड़े से मुतमिन थे कि नॉर्मल बुखार होगा, ठीक है। तो गए डॉक्टर के पास, ड्रिप लगवाई, टेस्ट करवाए अपने, ठीक है। पहले टेस्ट वाले दिन मेरे प्लेटलेट्स अच्छे हैं, लेकिन वाइट सेल थोड़े से कम थे, तो कुछ कह रहे थे कि डेंगी है, कुछ कह रहे थे डेंगी नहीं है, बट यही कन्फ्यूजन चलती रही सही है। तो बड़ा ख्याल रखा, ठीक है, अम्मी ने जूस बना के देती रही, नेक्टर बना के देती रही, क्या क्या, मुझे कोई खाने नहीं होता था, वही चीज़ मुझे खिलाया और तभी मेरा बुखार कवर हुआ। फिर अगले दिन बारी आती है रात को इमरजेंसी की, ठीक है, रात के 3 बजे और मुझे इमरजेंसी बुखार हो गया, ठीक है, इतना तेज़ बुखार है, 103 तक चला गया था, 103 तक था और 104 तक जा रहा था, ठीक है। तो ले गए जी रात को 3 बजे हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल लेकर गए, वहाँ ड्रिप वगैरह लगी, करूला लगा, मुझे पट्टियाँ रखी, ठीक है, बुखार नॉर्मल हुआ। अगले दिन फिर टेस्ट करवाए, फिर टेस्ट मेरे बहुत कम आए, मेरे प्लेटलेट्स हो गए थे 87 और मेरे वाइट सेल हो गए थे 2.3 समथिंग। और उस दिन मुझे इतना शदीद बुखार था, शदीद वीकनेस थी, मुझे डॉक्टर ने समझाया, मुझे डॉक्टर के जो होते हैं फॉर्मेटिकल जो होते हैं अटेंडेंट जो भी होते हैं, उन्होंने समझाया कि यार खाओ पियो,
पानी पियो पानी पियो, लिक्विड 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 पियो, अपने प्लेटलेट्स बढ़ाओ, बहुत समझाया बहुत समझाया। तो तकरीबन मैंने कोई, अब इस बाजू पे मैं आपको ड्रिप्स के निशान किस तरह दिखाऊं अब आपको नज़र नहीं आएंगे। इस बाजू पे अभी एक ताज़ा ताज़ा कनोले का निशान है ये, और ये ऊपर आपको नज़र आ रहा हो, ठीक है। इस बाजू पे तीन ट्रिपें लगी थी, इस बाजू पे भी तीन ट्रिपें लगी थी, और फिर आखिरी दो दिन में मैंने कनोला लगवा लिया क्योंकि मैं तंग पड़ गया था। और इस जगह पे देख सकते हो निशान, अगर आपको नज़र नहीं आएंगे, चार बार टेस्ट हुए हैं मेरे, ठीक है, तीन बार टेस्ट सही नहीं आए, चौथी बार अल्लाह का शुक्र है मेरे प्लेटलेट सेट हो गए। तो ऐसा सीन होता है डेंगू जिस टाइम हो जाए, आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों ने करना ये है अपने आप को काम रखना है, ठीक है, अपनी विल पावर सही रखनी है। उसके बाद आप लोगों ने रेस्ट करना है, अपने आप को मच्छरदानी के अंदर आपने बंद कर लेना है। उसके बाद जितना जितना लिक्विड हो सकता है आपने पीना है, फ्रेश का एप्पल का नेक्टर हो गया, ठीक है, मिल्क शेक नहीं पीना, वो थोड़ा हैवी हो जाता है, नेक्टर जितने नेक्टर पी सकते हो आप, पानी पियो, मीठे मीठे होते हैं ना मीठे, वो जितने जूस सकते हो वो जूसो, अब जिस सेंस में लेकर जा रहे हो। तो अब पता नहीं मैं सही से समझा पा रहा हूँ आपको या नहीं समझा पा रहा, लेकिन मैं अपनी कंडीशन बता रहा हूँ कि मेरी कंडीशन कैसी थी और मैंने इस कंडीशन में खुद को कैसे संभाला। मैंने कुछ नहीं संभाला, सारा घर वालों ने देखा, ठीक है, पापा मामा मेरे बहन भाइयों ने सब ने, ठीक है, मेरी बहन को भी हो गया था, तो मेरी मम्मी ने बहुत ख्याल रखा, ठीक है, सर दबाती रही हैं, टांगें दबाती रही हैं, क्या क्या नहीं दवाइयाँ, रात रात को जागती रही, मैं बता नहीं सकता, ठीक है। कोई दोस्त काम नहीं आता, ठीक है, कोई रिश्तेदार आपका काम नहीं आता, कोई रिश्तेदार नहीं पूछता आपका, ठीक है, आप जितना करीबी होगा कोई नहीं पूछता, कोई दोस्त आपका काम नहीं आता, हाँ पूछ लेते हैं सब, ये मैं नहीं कहता, पूछ लेते हैं सब, लेकिन देखने वगैरह कोई भी नहीं आता, ठीक है, एक मेरा दोस्त मुस्तफ़ा आया था बस, और कोई भी नहीं आता, ठीक है। रिश्तेदार करीबी आपके, मैं कहता हूँ जितने मर्ज़ी करीबी कर लो आप ना, जितना आप उन पर टच कर लो, एक भी भाई पूछा तक नहीं है, ठीक है, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता उन लोगों से, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबसे दूर हो चुका हूँ इस टाइम। तो मतलब जो आपके एज के होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, बड़े रिश्तेदारों ने तो ज़ाहिर है पूछा भी है, आए भी हैं, देखा भी है, सब कुछ किया, ठीक है, उनकी मैं बात नहीं कर रहा। अच्छा अच्छा, तो कहानी यही यूँ ही चलती रही है, सात दिन आपका भाई पड़ा रहा, ठीक है, मच्छरदानी के अंदर पड़ा रहा, ठीक है। और उसके बाद मैंने आज यही शर्ट दोबारा क्यों पहनी है, ताकि मुझे ऐसा फील ना हो कि मैं इतने दिन बीमार रहूँ, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था मेरा कि मैं इतना लंबा बीमार रहा था, और अभी भी मुझसे बोलना नहीं हो रहा क्योंकि मुझ में अभी भी वीकनेस बाकी है। तो बाद में यही कह रहा था कि आपने अपने बस ध्यान रखना है, ये मौसम बहुत गंदा है, ठीक है, बहुत डेंगू वाला वायरस इस टाइम फैला हुआ है, अगर आपसे हो सकता है तो आप अपने मोहल्ले में स्प्रे करवाएं, ठीक है, नहीं हो सकता तो अपना ख्याल रखें यार, मोस्पे लगा के सोया करें, जितने भी मच्छर से बच सकते हैं बचें, और खुदा ना खासा जिनको डेंगू हो चुका है भाई यार, लिक्विड पे ध्यान दो, लिक्विड पे ध्यान दो। डेंगू का मेन मकसद होता है आपका पानी ख़त्म करता है, आपकी बॉडी में से वाइट सेल ख़त्म कर देता है और प्लेटलेट्स आपके गिरा देता है, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम मेरे प्लेटलेट्स 1,20,000 हैं, जो कि प्लस हो रहे हैं, 87 से दो दिन के बाद 1,21,000-20,000 हो गए हैं, तो बढ़ रहे हैं, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह हार्ट टूट चुका है आप सबकी दुआओं से। मेरी जितनी यूट्यूब फैमिली है मुझसे इंस्टाग्राम पे, उन सब ने पूछा, मैं कहता हूँ मेरे अपनों ने नहीं पूछा जितना मेरे यूट्यूब फैमिली ने मुझसे पूछा कि तबीयत कैसी है, अल्लाह आपको सेहत दे, ये दुआएँ तक तो दी हैं ना यार, मैं इस चीज़ से भी खुश हूँ। तो ये सीन था, अब आपका भाई फुल फ्रेश है, ठीक है, बस वीकनेस आपका भाई कवर कर लेगा, आपको आपके भाई पर भरोसा होना चाहिए। और अब आप बारी है आपको तंग करने की, अब मैं आऊँगा यूट्यूब पर सही 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 फनी होकर आऊँगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, आपको बताना था कि मैं कहाँ था, मुझे क्या हुआ था और क्या हुआ, क्या सबब थी, डेंगू था, डेंगू आपके भाई को हुआ था, ठीक है। अपना ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो, बाकी आपका भाई आज सस्ता डॉक्टर बना हुआ है, ठीक है, सस्ता डॉक्टर वाली बात नहीं है, आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, जो मैं बीमार हुआ था। बाकी किसी से उम्मीद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई नहीं आपके पास आने वाला, ठीक है, आपकी बीमारी में आपने अपना ख्याल रखो रखना है, और आपके माँ बाप ने आपका ख्याल रखना है, ठीक है, और कोई नहीं आएगा, ठीक है, मेरी बात आज लिखवा लिख लो, ठीक है, जितने बड़ा बड़ा दोस्त बना लो आप लोग, ठीक है, आएंगे एक टाइम तक आएंगे, बाद में नहीं आते। तो खैर, इस चीज़ का रिग्रेट नहीं होना चाहिए आपको, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। आज का ब्लॉग के जरिए एंड करते हैं, आज की इस वीडियो के जरिए एंड करते हैं, पता नहीं वीडियो थी ब्लॉग थी जो भी था, मेरा काम था बस आप लोगों से शेयर करना, मैंने सोचा था कि मैं जैसे ही ठीक होऊंगा मैं वीडियो एक बनाऊंगा, ठीक है, तो मैंने बना दी। अब आप लोग बस मुझे दुआओं में याद रखना, ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं आपसे अगली ब्लॉग में, अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। और मैं आपको बता दूं, इस बुखार के अंदर इस गुमान में ना रहना कि आपको टीके इंजेक्शन नहीं लगेंगे, मुझे 7 ट्रिपल लगी 7, और 4 बार मेरे टेस्ट हुए हैं, ठीक है, तकरीबन बंदा पागल हो जाता है टीके लगवा के, लेकिन इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग अपना ख्याल रखो, इतनी बड़ी बड़ी सुइयाँ होती हैं, इतनी बड़ी बड़ी ट्रिप की सुइयाँ होती हैं, पहले बता रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप अपना ख्याल रखो, ठीक है, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो, आप सबका ख्याल रखो, अल्लाह आप सबको सेहत दे, अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो ये बात थी, अल्लाह हाफिज़।